लड़ाई है, लड़ाई हो रही है सिर्फ कमरे के लिए कि इस कमरे में कौन रहेगा। तो चलो 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 कमान कमान चलो 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 जाओ 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 सीधा साइड में सीधा साइड में। चलो जी चांद हमारा पांच सही है सही है चांद नीचे आएगा सिक्का। चलो जी हमारा कौन सा है हमारा कौन सा है हमारा चांद है चांद है। चलो 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 वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और बनाते हुए एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही मोटिवेशन है, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया था ना ही मैं एक, क्योंकि मेरी जो रेगुलर वीडियोज आ रही थी वो मेरे चैनल पे आना बंद हो गई थी क्योंकि मैं बिजी हो गया था पढ़ाई में। जोक तो यार बिजी होने की और बहुत सारी वजह थी कि आई मीन टाइम नहीं मिल रहा था और वीडियोज बन भी रही थी तो एडिट नहीं हो पा रही थी। तो यार वीडियोस जो बनी हैं उनको आप एडिट भी करेंगे और अपलोड भी होंगी, बट इस वीडियो के अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ क्वेश्चन मार्क। तो यार इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ का एक साल जो गुजर गया, आई मीन अब एक साल मुकम्मल हो चुका है, उसके अंदर क्या हुआ, कैसा गुजरा, उसकी कुछ गोल्डन मेमोरीज हैं। यार उस गोल्डन मेमोरीज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अभी मैं आप लोगों को अभी बेसिक बताता हूँ और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं आप लोगों से अभी शेयर करने वाला हूँ वो है हमारे कॉलेज फीस का, वन वीक का फीस था और उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक टेबल टेनिस, फुटबॉल, फूसबॉल, स्नोकर और फुटसॉल, और दूसरी साइड पर बात करें या थिएटर था, डेक्लेमेशन था एंड एडवर्ड्स था। एडवर्ड्स का डिपार्टमेंट थोड़ा साइड पर कर दो क्योंकि वो आपके भाई का डिपार्टमेंट था, वो थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। बट अभी प्रैक्टिस हम लोगों ने क्या क्या करा प्रैक्टिस के लिए और शूट कैसे, एडवर्ड्स का शूट कैसे हुआ, थिएटर की प्रैक्टिस, फुटबॉल, फुटसॉल, इन सब की प्रैक्टिस वगैरह कैसी, कैसा वीक गुजरा। सो ये वीडियो पार्ट्स में होने वाली है मुख्तलिफ, चार पांच के पार्ट्स होंगे। तो अभी अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट एनी मोमेंट। सो हियर वी गो। बिलाल, बिलाल भाई किधर हैं आप? बिलाल भाई अम्मा अपन जल्दी से आए। क्या हो, क्यों चिल्ला रही? सारी दवाई कर क्यों शोर मचा के रखा है तुमने? उतरो, तुम क्या हो? बिलाल बेटा उठो। आप चुप करें, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ? मेरा बेटा है वो। सही कह रहे हैं आप, चुप करना तो आप ही कर दिया आपने उन्हें। Hey guys, today we are recording our new task और आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हमारा संडे को फीस्ट है और फीस की यहाँ पे भरपूर तैयारी चल रही है। वजह कुछ ये कि इतने दिन से मैं बिजी था, नहीं कहूँ मैं, आज हमारा फर्स्ट डे, फर्स्ट डे भी कह सकते हैं और सेकंड डे भी कह सकते हैं क्योंकि कल भी प्रैक्टिस नहीं थी, बट वो मेरा बस क्लिप बहुत कम है, बट शेयर करूँगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। एक्शन। सोया मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। एक सेकंड, तुम होश में की दो, तुम बोल क्या रहे हो? यही सच है सोया, तुम मुझे बचपन से यही सब सोया क्यों बोल रहा है? यही सच है नया, तुम चली जाओ प्लीज यहाँ से। यहाँ पे एक्टिंग हो रही है, यहाँ पे खावा हो रहा है। बच्चों क्या मामला मामला है? इधर देखो, इधर देखो। तो जी अभी आपने जो क्लिप देखा वो हमारी प्रैक्टिस हो रही है थिएटर की, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो थिएटर अच्छा नहीं सोचता। कहते ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, मैन एंड वुमन परफेक्ट,
के यहाँ पर डिप्लोमेसी नहीं आना चाहिए। सो बस यार यहाँ पे थिएटर की प्रैक्टिस चल रही है, उसके बाद क्या हुआ देखो आगे। ये जब ये बोलेगी ना कि दोया को चल के सब कुछ बोल रहा है फिश बोल अम्मा को मस्त खाने में लगेगी। मम्मा बने खाने के लिए अम्मा पेट में खाना बोल अम्मा को फिक्र ही नहीं है बच्चे की, छोड़ो अपना खाओ। मैं तो बेसिक रिपोर्ट क्यों हुआ था बोलेगी मुझे पहले पता इसी वजह से क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर और ये सब तो छोड़ो जोया के साथ इतना गलत कर रहे हैं हम लोग। बिलाल रिपोर्ट होना इतना बड़ा इशू नहीं है, और भी कंट्रीज है जो एक्सेप्ट करती हैं। तुम गलत जोया के साथ कर रहे हो, तुम जाके सबको बता तो नहीं देते हो कोई नहीं ना तुमने बोला अभी अगर मैं इशारा करूंगा तो बुला तुझको बहुत ज्यादा हो गया लेकिन इसके बीच में बाबा की इज्जत आ गई। बाबा की इज्जत जिंदगियों से बढ़कर नहीं है, तुम अपने साथ साथ उसकी भी जिंदगी खराब कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं जरा तुम सबके सामने एक्सेप्ट करो, तुमने भी गुनाह नहीं किया है। तो यार थिएटर की प्रैक्टिस जानी थी बट अब हमें बनाना था एक एड। एड बनाने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि यार जो हमारे बैच था ना वो पूरा डिवाइड था तीन हाउसेस में, मैं जिस हाउस का मेंबर था वो था मैवरिक्स। तो हम लोगों ने सोचा यार उसका जो लोगो है वो हम प्रिंट करवाएं बड़े कपड़े पे ताकि हमारा एक फ्लैग बन सके और शर्ट्स प्रिंट करवाएं। तो वो सब करवाने के लिए हमें जाना था कॉपरेटिव मार्केट और एम्प्रेस मार्केट क्योंकि वहाँ पर सारा काम होता है। तो इस वजह से हमने कहा चलो अब वहाँ चलते हैं। वो कहते हैं ना किसी भी चीज़ के पीछे स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल इज टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट। तो बस यही दिमाग में रहते हुए पहुंच गए एम्प्रेस मार्केट और कपड़े मार्केट। पहले फ्लैग का कपड़ा लिया वो फिर वो पीको के बाद हो जाएगा एक दफा सेट है मालिश वाली सही सही और इसका लुक्स हो जाएंगे कुछ हमारे लाइक ऐसा सेट। फ्रेंड से भी दिखा दो कार्ड किसका कार्ड तो चलो क्योंकि यहाँ पे ये तैयार सब जा रहे हैं और हमारा काम फाइनली सब हो चुका है और आई डोंट नो मेरा इस वक्त व्यू कैसा आ रहा है बट दैट्स इट। झंडे कपड़े ले लिया प्रिंट कराना है उसके बाद शर्टें ले ली। ये हो रहा है 18x16 सही 18 यूँ आ जाएगा लंबा और 16 चौड़ा आ जाएगा 16 इंच चौड़ा ठीक है सही आ जाएगा। यहाँ पे डिज़ाइनिंग हो रही है और मिस्टर शरिया यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि डिज़ाइनिंग कैसे होती है ना। मैं सीखूंगा मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये से देख रहा है तो ये काम एक्चुअली मेरा है तो बस मगर इस वक्त डिज़ाइन ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग प्रिंटिंग के लिए आए ना तो प्रिंटिंग काम तो हम घर पर कर नहीं सकते बताइए। और अभी यार 6 बज गए हैं तकरीबन और हम लोग निकले हुए हैं 6:10 है और हम लोग डेनिंग से डायरेक्ट यहाँ पर आए प्रिंटिंग करवाने। मैं हूँ और ये जो रिकॉर्ड कर रहा है मेरे पीछे करियर कर रहा है। तो बस यार वैसे बहुत चलता है कुछ आया नहीं है नहीं आया ना नहीं नहीं हमने कहा ठीक है जी दैट्स इट। आप लोगों से मिलता हूँ अभी इसके बाद हम जाके शटिंग करेंगे। दोबारा सीन आपको दिखाता हूँ अभी तक के लिए इतना ही।
मिलते हैं आप सब छोटे से बच्चे के बाद। चलो ये हमारे, ये हमारा मेन लोगो है हाउस ऑफ मैवरिक का। शर्ट्स हमारी फाइनली हो चुकी हैं एंड अभी सात बजने वाले हैं और अभी तक ये काम चल रहा है, और इसके बाद भी अगर हाउस नहीं जीतता है तो क्या कहेंगे आप? पॉसिबल है वैसे। पॉसिबल है यार, कुछ कहते हैं ना, कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी।